सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, आज और अभी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव, लेकर आई हूं अभी तक की बड़ी खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम 5 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। आईएनएस घोटाला मामले में चिदम्बरम से सीबीआई पूछताछ कर रही है। चिदम्बरम ने कहा कि वे अंतरिम बेल के लिए ट्रायल कोर्ट के पास तब तक नहीं जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट उनसे कहता नहीं है। आजम खान और उत्तर प्रदेश के बीच चल रही लड़ाई में मुलायम सिंह यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आजम खान के खिलाफ गलत तरीके से केस दर्ज कराए गए हैं। इस कार्रवाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और वो भी इस आंदोलन का हिस्सा रहेंगे। जम्मू कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। पाकिस्तान के वकील ने खुद माना है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कश्मीर पर पाकिस्तान का केस कमजोर है। पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर नरसंहार के पर्याप्त सबूत नहीं है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज मिताली राज ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की। 36 साल की मिताली राज महिला T20 इंटरनेशनल की पहली भारतीय कप्तान रही हैं। मिताली ने 89 T20 इंटरनेशनल मैचों में 2,364 रन बनाए हैं, जो कि महिला T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से एक रिकॉर्ड है। शूटिंग वर्ल्ड कप में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीते। ब्राजील में हुई इस प्रतियोगिता में भारत 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ पहले पायदान पर रहा। अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई प्रभास की साहो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ की बम्पर कमाई की है। इसके हिंदी वर्जन ने 2 दिनों में अकेले 50 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ साहो 2019 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।